हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं सिखाऊंगा कि पिक्सल लैब के द्वारा कैसे जो आप अपना यूट्यूब का थंबनेल बना सकते हैं बिल्कुल एचडी थंबनेल, और वो भी अच्छे तरीके से। हाल में ही देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है यूट्यूब थंबनेल जो बनाता है अब किस एप्लीकेशन के द्वारा, तो वह है पिक्सल लैब के द्वारा। पिक्सल लैब के द्वारा अच्छा अच्छा जो है यूट्यूबर अभी अपना जो है थंबनेल बनाते हैं, जैसे कि मनोज दे, देवटक, ये सब क्या करते हैं पिक्सल लैब के द्वारा ही अपना यूट्यूब थंबनेल बनाते हैं। तो कैसे करके आप भी जो है पिक्सल लैब के द्वारा जो है यूट्यूब थंबनेल क्रिएट करेंगे बिल्कुल एचडी तरीके से, वही मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैं सारे स्टेप जो है मैं अपने मोबाइल पे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ताकि जो मैं बताऊंगा वो बिल्कुल एक ही बार में अच्छी तरीके से आप सीख पाए। तो ये सारे प्रोसेस सीखने के लिए आपको चलना पड़ेगा हमारे मोबाइल के स्क्रीन पे, क्योंकि मैं डायरेक्ट वहाँ पे एक पिक्सल लैब के द्वारा जो है एक यूट्यूब थंबनेल बना करके दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं हमारे मोबाइल के स्क्रीन पे और सीखते हैं सारे प्रोसेस को कि ये कैसे काम करता है। अभी हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, पिक्सल लैब को डाउनलोड करना होगा। तो पिक्सल लैब को कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो डायरेक्ट जो है आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएंगे। मेरा देख सकते हैं प्ले स्टोर यहाँ पे है, तो आप प्ले स्टोर में जाकर के सिंपली इसको ओपन करेंगे। तो चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ। उसके सर्च में आपको लिखना है पिक्सल लैब, PIXELLAB, ठीक है, पिक्सल लैब, PIXELLAB, पिक्सल लैब, ये आपको सर्च करना है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर सर्च किया। सर्च करने के बाद देखिए मेरा जो है पहले से डाउनलोड किया हुआ, इसलिए डायरेक्ट ओपन का हमको बटन दिख रहा है। यदि आप पहली बार इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल का बटन दिख रहा होगा, तो आप उसको जाकर के इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद डायरेक्ट आप उसको ओपन करेंगे। तो मैंने पहले से यहाँ डाउनलोड करके रखा है, तो इसलिए मुझे ओपन दिख रहा है। चलिए मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि इसे कैसे हम लोग यूट्यूब थंबनेल बनाते हैं बिल्कुल एचडी तरीके से। तो सबसे पहले कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा जब आप ऐप को ओपन करेंगे। तो सबसे पहला काम जो है आपको इसको जो है न्यू टेक्स्ट जो दिख रहा है इसको सबसे पहले आपको डिलीट करना है। तो डिलीट कहाँ से करेंगे, यहाँ पे देखिए एक डिलीट का बटन दिख रहा होगा, इस पर जाकर के सबसे पहला स्टेप में आप इसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है। डिलीट करने के बाद क्या आपको जाना पड़ेगा, दूसरा स्टेप थर्ड डॉट का, जहाँ पे इमेज दिख रहा है उस पर जाकर के आपको क्लिक करना पड़ेगा। चलिए मैं इमेज पे क्लिक किया, उसके बाद देखिए इमेज साइज पे जाकर के आपको क्लिक करना है। तो मैं इमेज साइज पे क्लिक किया। इमेज साइज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए एक बटन दिया रहेगा, उसको जाकर के आपको क्लिक करना है। मैं यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद यूट्यूब थंबनेल पे मुझे क्रिएट क्लिक करना है। तो मैं चलिए यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक किया, उसके बाद सिंपली कर देना आपको ओके। साइज में कुछ चेंज नहीं करना है आपको। चलिए मैं ओके कर दिया। अब देखिए कुछ इस टाइप का इंटरफेस मेरा जो हो जाएगा। तो अब क्या है कि मुझे लिखना है कि पिक्सल लैब के द्वारा एचडी थंबनेल कैसे बनाते हैं। एक मैं चलिए यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ए का बटन दिख रहा होगा, उस पर जाकर के क्लिक करना पड़ेगा। ए पे गया, उसके बाद फिर से आपको जब क्लिक करेंगे तो यहाँ प्लस का साइन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे फिर से एक बार एडिट पे क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए मैं एडिट पे क्लिक किया, उसके बाद मुझे लिखना है क्या पिक्सल लैब, मैं एक बना करके दिखाता हूँ, पिक्सल लैब यूट्यूब थंबनेल। पिक्सल लैब यूट्यूब थंबनेल, उसके बाद मुझे कर देना ओके पे क्लिक। उसके बाद क्या करना है आपको, स्क्रॉल डाउन करना है, सबसे लास्ट में चले जाना है, यहाँ पे आपको स्ट्रोक का बटन दिख रहा होगा, उस पर जाकर के क्लिक करना, सिंपली इसको इनेबल कर देना और साइन पे ओके कर देना। फिर से शैडो में आपको जाना है, शैडो का क्या करना है इनेबल कर देना है, क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद आपको आ जाना है बैकग्राउंड पे, कहाँ पे आना है बैकग्राउंड पे, बैकग्राउंड पे आ करके आप यहाँ से सिंपली इसको इनेबल करेंगे और नीचे की तरफ करेंगे, जो भी कलर आपको चूज करना है यहाँ से चूज कर सकते हैं। चलिए मैं ये कलर को चूज किया, उसके बाद कर दिया सही। उसके बाद आपको दूसरा स्टेप करना है, फॉन्ट पे जाकर के आपको क्लिक करना है। तो मैं फॉन्ट पे गया, उसके बाद यहाँ सिंपली अमरनाथ बोल्ड का जो ऑप्शन है उस पर जाकर के आप क्लिक करेंगे, उसके बाद कर देंगे इसको ओके। साइज पे फिर आपको साइज पे आकर के यहाँ पे साइज एडजस्ट करना है, तो साइज पे आकर के आपको क्लिक करना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पे गया, चलिए ये हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे सही पे क्लिक कर देना, मतलब पहला चीज मैंने लिख लिया कि पिक्सल लैब यूट्यूब थंबनेल। अब आपको क्या करना, मुझे कुछ फोटो लगाना है यहाँ पे। तो कैसे फोटो लगाएंगे, तो सिंपली सबसे ऊपर में आप देखिए प्लस का साइन है, उस पर जाकर के आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं प्लस पे जाकर के क्लिक किया, उसके बाद फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन खुलेगा, उसको जाकर के ओपन करना। तो चलिए मेरा गैलरी जो है वो ओपन हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे जो थ्री डॉट का ऑप्शन जो दिख रहा है उस पर जाकर के आपको क्लिक करना है, मैंने किया। उसके नीचे की तरफ आएंगे तो आपको गैलरी दिख रहा होगा, उस पर जाकर के फिर आपको क्लिक करना पड़ेगा। चलिए मैं गैलरी पर जाकर के क्लिक किया, उसके गैलरी से कोई भी आप इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं एल्बम पर जाता हूँ, यहाँ से ये फोटो में ले लेता हूँ सिंपली, उसके कर देता हूँ इसको सही। उसके बाद देखिए इसको मुझे साइड में एडजस्ट करना है, तो आप यहाँ से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिस टाइप को आपको रखना है उस टाइप से आप यहाँ से कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको जिधर भी इमेज लगाना है बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है। मैं कुछ इस टाइप से लगाया यहाँ पे,
ये हो चुका है, मेरा एक फ़ोटो लग चुका है यहाँ पे, ठीक है, पिक्सल लैब यूट्यूब थंबनेल। अब मुझे कुछ और भी लिखना है, तो कैसे लिखना पड़ेगा, फिर से वही प्लस पे साइन पे जाना होगा। चलिए मैं प्लस पे साइन पे गया, उसके बाद फिर से एडिट पे जाना, मैं एडिट पे चला गया। उसके बाद लिखना है कुछ भी, एच डी यूट्यूब थंबनेल, ठीक है, फिर से ओके कर देना है मुझे। उसके बाद फिर से साइज़ को यहाँ ले आना है, फिर से वही काम करना है। कहाँ जाना है, सबसे पहले स्ट्रोक को जाकर इनेबल कर देना है, शेडो को जाकर के इनेबल कर देना है। उसके बाद आना है बैकग्राउंड पे, इसको भी इनेबल कर देना, एक कलर यहाँ से चूज़ कर लेना यहाँ से। उसके बाद क्या करना है, फॉन्ट पे जाना, अमरनाथ बोल्ड को सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो है साइज़ आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो मुझे इतना ही रखना है। तो देख सकते हैं दो चीज़ मैंने लिख लिया, पिक्सल लैब यूट्यूब थंबनेल, एचडी यूट्यूब थंबनेल। अब मुझे फिर से हमें कुछ लिखना है, तो फिर से टेक्स्ट पे जाना पड़ेगा, एडिट पे जाना पड़ेगा। यहाँ से मैं लिख देता हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देता हूँ इसको, ओके। उसके बाद फिर से आपको क्या करना है, स्ट्रोक पे जाके इनेबल कर देना है, शेडो को जाके इनेबल कर देना है, बैकग्राउंड कलर को जाकर के इनेबल कर देना है। और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे कुछ चूज कर सकते हैं, मैं इसको चूज किया। उसके बाद जाना फॉन्ट पे, फॉन्ट पे जाने के अमरनाथ बोल्ड पे जाकर के ओके करना पड़ेगा। उसके बाद साइज को फिर से यहाँ से आप घटा बढ़ा सकते हैं। तो देख सकते हैं मेरा, चलिए मान के चलिए कि ये जो है YouTube थंबनेल तैयार हो गया। आपको जिस तरीके से करना आप यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। अब हमें इमेज क्या करना है, HD में सेव करना है, तो कैसे सेव करेंगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सिंपली आपको फिर से यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर जाकर के आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैं 3 डॉट पर जाकर क्लिक किया। इसके बाद यहाँ पर लिखा रहेगा एक्सपोर्ट इमेज, तो एक्सपोर्ट इमेज पर जाकर के आपको क्लिक करना है। यहाँ कुछ चीज़ छेड़खानी नहीं करना, आपको साइज़ जो है, वेट वेट इन सब कुछ छेड़खानी नहीं करना है। डायरेक्ट आपको आना सेव टू गैलरी पर जाकर के आपको क्लिक कर देना है। तो मैं चलिए सेव टू गैलरी पर जाकर क्लिक किया। अब ये देखिए मेरा बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं गैलरी पे जाकर के दिखाता हूँ क्या वो चीज़ बना या फिर नहीं बना। तो देख सकते हैं मेरा बिल्कुल जो है YouTube थंबनेल बन चुका है। तो इस टाइप से पिक्सल लैब के द्वारा जो है आप अपना YouTube का थंबनेल बना सकते हैं बिल्कुल HD तरीके से। होप अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। अगर इस टाइप का वीडियो आप पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।